हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो ये मिनी व्लॉग की तरह ये छोटा मोटा व्लॉग फिर से लेके आई हूँ। एक्चुअली आज शाम हम लोग का घर पर पूजा था, मतलब इसे झटपट पूजा बोला जाता है, मतलब फटाफट ही हो जाता है, फटाफट ही घर का विसर्जन देकर उसके बाद पूजा भी खत्म हो जाता है। इसमें कोई फोटोस तो नहीं रहता है, बस एक कलश में पानी डालकर कलश को बिठाया जाता है और उसी को पूजा जाता है। तो थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ, मतलब एक तरफ पूरी भी बन रहा है और एक तरफ हम लोग यहाँ पर मतलब एक एक करके अभी सबको आ जाएंगे। तीन सुहागन रहने से हम मतलब कलश बिठाया जाएगा। अभी तीन के जगह पर एक एक करके बढ़ रहे थे हम लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए आगे ये हम लोग का घर के सामने का एक आंटी है। उसके बाद हम लोग ने सोचा कि तीन के जगह पर चार पाँच, मतलब पाँच हो जाएगा। उसके बाद ऐसा करते करते एक एक करके थोड़ा बहुत हो ही गया था, लेकिन सब आप लोग से शेयर नहीं कर पाई थी। तो वहाँ पर देखने गए थे और कौन कौन आ रहा है बोल के। तो बस अभी यहाँ पर कलर्स बिठाने का टाइम हो चुका है, तो अभी हम लोग मतलब झुका देते हैं। कुछ भी शुभ काम होने से पहले हम लोग बंगाली लोग झुका देते ही है, तो वो अभी दिया जाएगा। तो चलिए। तो झुका दिया भी कंप्लीट हो चुका है, तो कलश भी मतलब बिठाया गया है और अभी स्टार्ट हो जाएगा पूजा। इसमें एक कहानी बोला जाता है जिसमें आप लोगों को स्टार्टिंग से एंडिंग तक सुनना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर नहीं बैठी थी क्योंकि मुझे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता है, तो मैं निकल गई थी यहाँ से। उसके बाद लास्ट नहीं, बीच में आकर फिर दिया जलाया कर, उसके बाद थोड़ा बहुत आप लोगों से फिर से दिखा दे रही हूँ। दिया जलाने के बाद कुछ अलग ही लगता है, मतलब कुछ पॉजिटिव फील आता है। तो इसके बाद फिर से मैं आ गई थी, मतलब एक दूसरे रूम में जहाँ पर हम लोग सबको मिलते हैं। चल रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया, बस तीन चार तो शायद गोल बनाया था और बाकी सब भाभी और आंटी ने, मतलब मासी ने बेला था। मैं बस खाने के लिए थी। अच्छा लगता है घर में कुछ पूजा होने से भी, मतलब सबको मिलकर करने से अच्छा लगता है, लेकिन नहीं तो अकेला करने में डर ही लगता है सब। तो अभी है मेरे खाने का बारी। तो यहाँ पर मैं मतलब फ्रूट्स नहीं लिया था, फ्रूट्स मैंने पहले ही खा लिया था। उसके बाद हम लोग सब मिलकर चाय के साथ खा रहे थे। सब कोई किसी किसी का डिनर भी कंप्लीट हो रहा था तब, लेकिन मेरा था। हम लोग तो चावल के बिना नहीं रह सकते, तो यहाँ पर मैं खा रही थी और सबको बोल रहा कि हाँ नहीं, खीर भी टेस्ट हुआ है और छोला का दाल भी बहुत टेस्टी हुआ है। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा खाकर, टेस्टी भी हुआ, पूजा भी बहुत अच्छे से हुआ है। तो आप लोगों से मिलते हैं अगले ब्लॉग पर। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।